आइए जी तशरीफ लाइए। बैठे बैठे, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, सोनिया आप इन्हें तो जानती होंगी जी। सुमेरा नाम है उनका। ये साजदा आंटी, इन्हें भी जानती होंगी। आपकी शादी में ये दोनों थे जी। सवा साल पहले हुई है। किससे हुई थी? कि यहाँ कहीं कोई ऐसा आदमी है जिससे आपकी शादी हुई है? कहाँ है? What? मिलिए सोनिया से, जो फरहान की दूसरी बेगम है। सवा साल पहले फरहान ने सोनिया से शादी की। इसमें वट्टे सट्टे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। फरहान ने, आपके भाई ने आपकी इनकी बहन को 6 माह पहले तलाक दी। आपने अपनी शादी के 9 माह बाद दूसरी शादी की, और ये साजदा आंटी आपको भी पता था, आप उस शादी में थी। और एक मिनट, और एक मिनट, और सुमेरा तुमको भी पता था, तुम भी उस शादी में थी। कहीं आपको अपनी ज्यादती का एहसास हो रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है? साहिर भाई, मुझे इनके बारे में पता तो नहीं था कि ये बहुत बड़े चीटर इंसान है। फरहान, तुमने इतना टाइम पहले उसके साथ शादी की, मैं क्या बोलूं? आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बेचारी या मैं कोई चीज हूँ, किसी ने उठा के किसी के घर दे दी और वहां जाके भी मुझ पर ज्यादतियां हुई, जुल्म हुए, सब बर्दाश्त करने के बाद भी आज वो ये आपको डिवोर्स नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। वो पैसों के लिए नहीं देंगे। एग्जैक्टली, पैसों के लिए नहीं देंगे। पर आप एक बार उनसे ये तो पूछे, कहां कोई कमी मैंने ऐसी छोड़ी हो या कोई ऐसी चीज जहां मेरी गलती हो। आपको इनकी दूसरी शादी पे कोई गुस्सा नहीं? कर ली इन्होंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ये मुझे 2-3 बार पहले वार्न कर चुके थे, इस बारे में वार्न कर चुके थे, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने घर से पैसे नहीं लाके दे रही। तुम नहीं लाके दोगी, तुम्हें धक्के देके निकालूंगा इस घर से और दूसरी शादी करूंगा। झूठ मत बोलो, तुम मेरी माँ से बदतमीजी करती थी तब मैं कहता था, पैसों का मैंने तुम्हें कब कहा है? तुमने पहले भी पैसे ले चुके हो मुझसे यार, क्यों बात को बोलेगी नहीं ना? मैं किस तरह बदतमीजी करती थी? लेकिन एक बात बताओ, ये तो तुम्हारी वालदा और बहन के साथ भी नहीं रहती, बल्कि मैं तो जाहिर इस हकीकत को जानता हूँ, ये तो इन लोगों से बात भी नहीं करती। तो आपको इस वक्त इनकी बदतमीजी का एहसास नहीं है, आपको इसकी बदतमीजी का एहसास है? भाई, इस बेचारी ने क्या किया? उसकी उसके भाई ने उसको तलाक दी ना मेरी बहन को। वो बेचारी तो मैं कौन हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को तलाक दी है। तुमने क्या गलती की उसमें? पहले शादी की है ना तुमने, बहुत जरूरत क्यों पेश आई? लेकिन अब आप, मैं वो बताता हूँ कि क्यों जरूरत पेश आई, पहले इनसे पूछ ले आपने, आपको क्यों जरूरत पेश आई? असल में भाई, जब से हमारे घर में आई कोई काम नहीं करती, मेरी माँ से शदीद तरीन बदतमीजी करती है। ओ भाई, ये तो तुम्हारे घर में भी नहीं रहती, तुम इनके घर पे जाके रहते हो, क्या बात कर रहे हो? काम तो ये तब करेंगी ना जब ये तुम्हारे घर में आके रहेंगी, ये तो तुम्हारे घर में भी नहीं रहती, तो ये कौन सा तुम मुझे लॉजिक दे रहे हो कि ये घर में? तो घर में अगर काम ये नहीं करती है तो आप दूसरी शादी करेंगे या कोई मुलाजमा रख लेंगे? असल में भाई, मसला इनमें भी निकला है ना थोड़ा सा, हम तो यही समझे थे कि माँ मेरी ले गई इनको, मेरी माँ ने शादी कराई है। और साहिर भाई, घर में आएगी घर तक। साहिर भाई, ये अब मुझे ये कहते हैं, पहले इनके दिमाग में ये बात नहीं थी, अब मुझे ये कहते हैं कि तुम पैसे लाओगी, मैं इसको हक मेहर दूंगा तो फिर इसको छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा।